महोदय ये टूटा नहीं है, टूट गया, आपने खोल दिया तो टूट गया, ऐसे ऐसे आउट करके घिर लिए, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सदन चलाने के लिए प्रतिपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेवारी होती है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी 12 मिनट अपने विषय को रखे सदन व्यवस्थित चले, क्योंकि वो भी इस आसन पर बैठे हैं और सभी की जिम्मेवारी है, मैं भी बैठा हूं, आज आप बैठे हैं, सभी की जिम्मेवारी है कि आप लोग शांति बनाए रखें, सभी की जिम्मेवारी है कि सदन चले को समझे, ये बहुत भी और जो भी हुआ है चलाने के लिए साधारण घटना लोकतंत्र के लिए नहीं है। सदन चलाने के लिए प्रतिपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष की बड़ी जिम्मेवारी होती है। आपने देखा कि हमने कुछ विषय को उठाया, आपकी अनुमति मिली कि हम समय पर सुनेंगे, हमने अपने माननीय विधायकों को आपस बुला के बैठाया। कई बार विषय में अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री कहे कि हम उठे, हमने अपने लोगों को बैठाया कि सुने। सदन में चलाना चाहता हूं, प्रश्नकाल का मुझको अनुभव है कि कैसे प्रश्नकाल का मेहनत होता है और कैसे विधायक आते हैं। सदन लोकतंत्र के लिए चलना आवश्यक है, लेकिन जब हमारे माननीय सदस्य प्रश्न कर रहे हैं, पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, बीच बीच में माइक कट जाता है, सदस्य का क्या मेरा माइक काट देते हैं? जब भी कोई ऐसा विषय लाते हैं, गंभीर विषय जिस पर सरकार की चर्चा होती है, माइक बंद कर देते हैं। उन्होंने बार बार ठोक करके कह रहा है माइक को कि कहीं इसका टेक्निकल अति है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, उसके बावजूद बगल से उत्तेजित शब्द का उच्चारण करना, अपशब्द बकना, और सत्ताधारी दल के लोग उत्तेजित होकर बेल में आ गए। मेरे सदस्य नहीं बेल में गए, मैंने सबको रोका। आप फुटेज, आप शांति बनाए, आप फुटेज निकाल के देखें कि मेरा एक भी सदस्य बेल में नहीं गया था, लेकिन सत्ता दल के लोग बेल में आ गए। और उसके बाद कार्रवाई के लिए और धमकी के लिए तो महोदय प्रतिपक्ष के लोग आचरणहीन व्यवस्था में नहीं भागीदारी करता है और आचरण करने वाले का सम्मान करता है, लेकिन कायर नहीं है कि कोई धमकी दे, अब शब्द बके और हम उसको स्वीकार कर लें। ये व्यवस्था कतई स्वीकार नहीं है। यही तो आए, यही तो, एक मिनट तेजस्वी जी, नहीं अभी आप तय करेंगे, बात रखिए, आप तय करेंगे, आप बात रखिए, आप तय करेंगे हम कितना देर बोलेंगे। नहीं सुनिए, नहीं ये नहीं, यही यही आसन है जहाँ जो उठ रहे थे बूटों से रौंदे थे, यही यही विधानसभा है न महोदय। आपके जगह पर हम बैठे थे, प्रतिपक्ष को सम्मान देते थे और उन लोगों ने पत्थर उठा करके आसन को मारा, फूट से रौंदा, आसन पर चढ़ गया। क्या क्या तमाशा हुआ, वो भी प्रतिवेदन सभा पटल पर आप रखने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं महोदय। अनुशासन लाना है तो जो गलत किया, जो बेल में आया, जो अपशब्द बका, दोनों पक्ष से खेद होना चाहिए। एक पक्षीय व्यवस्था कतई नहीं बननी चाहिए लोकतंत्र का, यही मर्यादा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, माइक तोड़ा गया, विजुअल पर आपने देखा, उस पर आपको क्या कहना है महोदय? उस पर क्या कहना महोदय? हाँ, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है महोदय, ये टूटा नहीं है, टूट गया, आपने खोल दिया तो टूट गया, ऐसे ऐसे आउट करके घिर लिया। माननीय है, ये टूटा हुआ माइक, माननीय उप मुख्यमंत्री, ये तो ढीला है उनका, माननीय उप मुख्यमंत्री, अब आप आसन ग्रहण कर रहे हैं, चलाइए, चलिए ठीक है अध्यक्ष महोदय। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है कि जो सदन में हुआ, अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओ जे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।